प्रथम तहलका न्यूज। चरखे दादरी में कौशल रोजगार को भंग करवाने सहित अनेक मांगों को लेकर जहां नगर परिषद के कर्मचारियों ने टूल डाउन पैन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है, वहीं हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। दादरी शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई नहीं होने व बारिश होने के चलते हालात और भी बुरे हो गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने दूसरे विभागों के कर्मचारियों का समर्थन लेकर अनिश्चितकालीन का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में सफाई व्यवस्था का जो हाल होगा वह बीमारियां फैला सकता है। बता दें कि नगर परिषद कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को पहले ही चेतावनी देते हुए टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया था। वहीं इन लोगों की कौशल रोजगार निगम को भंग करवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई मांगे है, जिसको लेकर संघ के प्रधान सूरज की अगुवाई में कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में हड़ताल शुरू करते हुए रोष प्रदर्शन किया। तो वहीं हड़ताल के चलते नगर परिषद कार्यालय की कुर्सियां भी खाली पड़ी है और सफाई गाड़ियां बारिश के चलते पानी में डूब गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था पर खासा असर पड़ रहा है और पूरे शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। अगर कर्मचारियों की हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सर, ये जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, इसके कारण दादरी शहर में कूड़े के ढेर लग चुके हैं और जो दो दिन से दादरी में बरसात हो रही है उससे इतना पानी भर गया। शायद प्रशासन और सरकार को तो दादरी की तरफ ध्यान है ही नहीं, सिर्फ वोटों की तरफ ध्यान है सरकार का। और इस पानी के कारण आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया और इस पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का डर है, जिससे बच्चों में महामारी भी फैल सकती है, बुज़ुर्गों को परेशानी है। कोई किसी साधन पे आता है तो बाज़ार में गड्ढे हैं, उसमें मोटरसाइकिल गिर जाती है, किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है। इतनी बुरी हालत है। अगर दादरी शहर के यही हालात रहे तो शायद हो सकता है आने वाले समय में यहाँ महामारी का प्रकोप देख पाओगे आप। उसमें इतनी ज़्यादा बदबू और गंदगी है, वहाँ मक्खी भिन भिन आती हैं, पशु हैं उसमें मुंह मारते हैं। रोडों पे बुरा हाल हो चुका है, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में जहाँ भी आप जाओगे आपके कूड़े के ढेर मिलेंगे और पूरी गली में बिखरा हुआ कूड़ा मिलेगा, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण दादरी शहर की यह हालत है। सफाई कर्मचारियों हड़ताल के कारण शहर में बहुत काफ़ी बुरा हाल मचा हुआ है। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, नालियाँ भरी खड़ी हुई हैं, ऊपर से बरसात का मौसम है, हर तरह हर जगह गलियों में पानी की और सीवरेज और ये सब गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है, जिससे कि मच्छर और ज़्यादा हो गए हैं और इसके कारण शहर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह गंदगी इतनी फैली हुई है कि बारिश आने के कारण बदबू और ज़्यादा मारने लगी है, जिससे बच्चे और घरों में रहने वाले आदमी बीमार होने का ज़्यादा खतरा है। कर्मचारी संघ के प्रधान सूरज ने सरकार को सीधे रूप से अल्टीमेटम देते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दूसरे विभागों के साथ हड़ताल जारी रखेंगे और मांगे पूरी ना होने तक लड़ाई लड़ेंगे। 23 तारीख को टूल डाउन पैन डाउन हड़ताल की थी, आज भी हम टूल डाउन पैन डाउन हड़ताल पे हैं 24 तारीख को, और उससे पहले भी हमने सरकार को चेतावनी देने के लिए हमने प्रदर्शन किए थे, मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया था, झाड़ू प्रदर्शन भी किया था और 17 और 18 को हमने भूख हड़ताल भी की थी। अगर आज सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, 25 तारीख को हम इस आंदोलन को लंबा लेके जाएंगे, अनिश्चित काल में करेंगे, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो। ये कदम आज हम इसलिए ये कदम इस तरीके से उठाएंगे कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम पब्लिक हेल्थ हो या फायरमैन हो, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं पदाधिकारी हैं, वे सारे हमारे समर्थन में हैं। रोडवेज हो या जितने भी हैं, सब कर्मचारी संघ हमारे साथ हैं। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं आंदोलन को हम लंबा लेके जाएंगे, नहीं काम नहीं किया जाएगा। आज हमने दो दिन तय टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल में हमने एक दिन भी काम नहीं किया। हाँ जी, जो शहर का वातावरण खराब हो रहा है उसकी जिम्मेवार सरकार है, हम नहीं हैं। जो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उसकी जिम्मेवार सरकार है। हमारी मांगों को पूरा करो, हम ये शहर की व्यवस्था बढ़िया कर देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम इस शहर में जितना भी कूड़ा गिरेगा उसकी बदबू फैलेगी, उससे महामारी बीमारी आएगी, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। प्रथम तहलका के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो रिपोर्ट।